लक्ष्मण का बाण सीधा मेघनाथ की छाती में लगा। देह त्याग करने से पहले उस महावीर ने छल कपट का त्याग किया और सच्चे हृदय से श्री राम और लक्ष्मण का स्मरण किया। हनुमान और अंगद विह्वल स्वर में कह उठे, हे वीर, धन्य है तेरी माता जिसने अपनी कोख में तुझे धारण किया, और धन्य है तू जिसे लक्ष्मण जी के हाथों सदगति प्राप्त हुई। हनुमान मेघनाथ का पार्थिव शरीर रावण के महल के द्वार पर रखाए। पुत्र की ये गति देख रावण मूर्छित हो गया। अन्य रानियों सहित मंदोदरी के विलाप से अंतःपुर द्रवित हो गया। बाहर नगर में शोकातुर प्रजाजन रावण को कोस रहे हैं, जिसने अपने अभिमान और हट के कारण लंका को ये दिन दिखाया। लेकिन रावण अपनी स्त्रियों को एक दार्शनिक की भांति उपदेश दे रहा है कि इस जगत के समान ही शरीर भी नाशवान है। रात्रि बीत जाती है। वानर सेना एक बार फिर युद्ध भूमि में आ डटी है। रावण ने पवन गति से दौड़ने वाला अपना रथ सजाया और अपने विश्वस्त योद्धाओं को साथ ले रणभूमि की ओर चल पड़ा। चारों ओर भयानक अपशकुन होने लगे। रामानुज कह राम कह, अस कहि छाड़े सी प्राण। धन्य धन्य तव जननी, कह अंगद सब देखहु हृदय विचार, देखहु हृदय विचार।
सारा लगे भालू कपी चारी हूँ द्वार। सुभट बोलाई दसानन बोला रन सन्मुख जाकर मन डोला। सो अब ही बरु जाओ पराई संजुग विमुख भय न पलाई। निज भुज बल मैं बैरु बढ़ावा देहूं पुतरु जोरी पूजड़ आवा। अत कही मरुत बेगरत साजा बाजे सकल जुझाऊ बाजा। सब अतुलित बली जनु कज्जल कह आंधी चली। अस गुण अमित हो ही ते ही काला गनई न भुज बल गर्व विसारा। अति गर्व गनै न सगुन असगुन स्त्रवही आयुध हाथ ते बट गिरत रथ ते बाजी गज चिकरत भाजहि साथ ते। गो माय गीत कराल खर रव स्वान बोलहि अति गने जनु काल दूत उलूक बोलहि वचन परम भयावने। सपने हुमन विश्राम भूत द्रोहरत मोह बस राम विमुखरति का।